हे हाय गाइस, आज मैं माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन के एपिसोड 15 को एक्सप्लेन कर रही हूँ। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। साउची मीडिया को बताती है कि जब उनके रेस्टोरेंट पर मुसीबत आई थी तो फेंग ने उसकी मदद की थी, जैसा कि वो अपने हर एम्प्लॉय क्यों करते हैं। पर इसके अलावा उनके बीच ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है। जो भी मीडिया में ये ट्रेंड कर रहे हैं उनके रिलेशन के बारे में, ये सब कुछ झूठ है। मीडिया फेंग से इस बारे में पूछना चाहती थी, पर चैंग उन्हें रोकते हुए कहती है कि वो सब चैरिटी शो पर ध्यान दे, ना कि इन बेकार की बातों पर। जिसके बाद वो फेंग का हाथ पकड़कर वहां से चली जाती है। इधर साउची वॉशरूम में थी और वो फेक स्माइल करते हुए कहती है कि चलो अच्छा ही हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया। पर जैसे वो बाहर निकलती है तो वहाँ चैंग उसका इंतजार कर रही थी। चैंग साउची से कहती है कि वो अभी के अभी यहाँ से चली जाए, ऐसे जगहों पर उसे नहीं होना चाहिए। जिस पर साउची कहती है कि वो ऐसे जगहों पर बहुत ही बार आ चुकी है, उसके लिए कोई नई बात नहीं। तब चैंग कहती है कि वो उसके और फेंग के बीच में आ रही है। उसके आने से पहले फेंग उससे प्यार करता था और अब वो उसके लिए कांटा बन गई है, तो अच्छा होगा कि वो यहाँ से चली जाए। ये कहते हुए चैंग साउची को थप्पड़ मार देती है। साउची को भी गुस्सा आता है तो वो भी चैंग पर हाथ उठा देती है। तभी चैंग फिर से साउची को मारने वाली थी, पर साउची उसके हाथ को पकड़ लेती है। तभी चैंग देखती है कि पीछे से फेंग आ रहा है, तो वो जानबूझकर गिर जाती है और फेंग को ऐसा दिखाती है कि साउची ने उसे धक्का दिया है। फेंग ये देखकर साउची पर गुस्सा करता है और उसे यहाँ से जाने को कहता है। वो चैंग को उठाता है और अपने साथ ले जाता है, जहाँ वो चैंग को कहता है कि वो साउची को माफ कर दे, साउची ने ये जानबूझकर नहीं किया होगा। तब चैंग उसे कहती है कि क्या उसे अभी भी साउची की फिक्र हो रही है, पर कि उसे तो उसकी फिक्र होनी चाहिए। पर फेंग उसके बातों को इग्नोर करता है और वहां से जाने लगता है। तभी चैंग एक्टिंग करती है, उसके पैर में मूंछ आ गई है। ये देख फेंग उसके पास आता है और उसकी मदद करता है। चैंग उसे अपने साथ रहने को कहती है। इधर साउची वो बाहर आ गई थी और वहां से घर जाने ही वाली थी, पर तभी वो ली से मिल जाती है। ली जैसे ही साउची के गाल को देखता है तो वो जान जाता है कि किसी ने उसे मारा है, तो उसे लगता है कि शायद ये काम फेंग का है, तो वो साउची का हाथ पकड़कर उसके पास जाने लगता है। तब साउची रोकती है और बताती है कि ये फेंग ने नहीं बल्कि चैंग ने किया है, चैंग ने उसे मारा है, पर उसने अपना बदला ले लिया है तो उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तब ली कहता है कि ये सब कुछ उसके भाई की वजह से हो रहा है और अब वो उसके भाई को मजा चखा कर रहेगा। वो साउची को पार्टी के अंदर चलने को कहता है और कहता है कि वो उसके साथ जा रही है, तो उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ली साउची को अपने साथ पार्टी में लाता है और उसे अपने हाथ को पकड़ने को कहता है। वो दोनों फेंग के पास पहुंचते हैं, जहां पहुंचते ही ली फेंग से कहता है कि वो साउची की तरफ से उसे कुछ कहना चाहता है। वो फेंग को कहता है कि अब साउची अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है, तो उसे भी उससे बात नहीं करनी चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। और अब वो दोनों डेट कर रहे हैं, तो अच्छा होगा कि वो साउची को परेशान ना करे। ये कहकर ली साउची को अपने साथ डांस करने ले जाता है। साउची डांस नहीं करना चाहती थी, ये कहते हुए कि फेंग उन्हें देख रहा है। तब ली कहता है कि ये तो अच्छी बात है, फेंग जलस हो जाएगा। वो ली के साथ डांस करती है और उन दोनों को डांस करता हुआ फेंग देख लेता है। फेंग को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो चैंग से पूछता है कि क्या ये दोनों पहले भी ऐसे ही क्लोज थे। तब चैंग बताती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, साउची को वो नहीं मिला इसलिए वो अब उसके भाई को फंसा रही है। तब ली और साउची पार्टी से बाहर निकल जाते हैं, जहाँ ली साउची से पूछता है कि अब उसे अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऐसा करने से उसका मन हल्का हो जाएगा। वो उसका साथ इसलिए दे रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो उससे भाई से नफरत करे। तभी पीछे फेंग आ जाता है, पर ली इस बात से अनजान था और वो साउची को बताता है कि उसका भाई बहुत ही अच्छा है, उसके छोटे बड़े हर सपने को पूरा करने में वो उसका साथ देता है। जैसे वो अपने भाई को देखता है तो वो घबरा जाता है और कहता है कि वो साउची से दूर ही रहे, उससे कुछ बात करनी है तो वो उससे कर सकता है। तब फेंग कहता है कि उसे साउची से अकेले में बात करनी है, पर साउची कहती है कि उसे जो कहना था वो पार्टी में ही कह चुकी है और अब उसे उससे कुछ भी बात नहीं करनी। तब फेंग कहता है कि अगर वो आज बात नहीं करना चाहती तो कल वो बात कर सकती है, कल वो उसे एड्रेस भेज देगा जहाँ वो पहुंच जाए। ये कह के फेंग वहां से निकल जाता है और चैंग को छोड़ने उसके घर जा रहा होता है। रास्ते में चैंग उसे कहती है कि उसकी अमनीशा की वजह से उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनका रिश्ता पहले कितना अच्छा था और अब कुछ भी नहीं बचा। ये सुन फेंग उससे पूछता है कि उन दोनों के बीच कैसा रिश्ता था, पर चैंग इस बात को टाल देती है। चैंग जब गाड़ी से उतरती है तो फेंग उससे कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है, तो चैंग कहती है कि कल वो उसका उसी रेस्टोरेंट पे वेट करेगी जहाँ पहले वो कॉलेज के टाइम पर मिला करते थे। इधर साउची अपने घर पहुँचती है और आज हुई सारी बातों को स्यूबू को बताती है कि फेंग उससे मिलना चाहता है।
तो शुभ कहता है कि ऐसा होता है ब्रेकअप के टाइम पर। पृथ्वीवासी ब्रेकअप करने से पहले सारी चीजों को क्लियर करते हैं, लेन देन कर लेते हैं। तो उसे अपना एवन सेटर फ्रैंक से ले लेना चाहिए क्योंकि इससे अच्छा मौका उसे अब कभी नहीं मिलेगा। तब साउची कहती है कि वो अपने एवन सेटर को फील नहीं कर पाती जब तक फ्रैंक का हार्ट बीट तेज ना हो जाए। तब शिवो सर्च करके बताता है एक दवा का नाम और कहता है कि वो फैंक को दे दे जिससे उसका हार्ट बीट तेज हो जाएगा और वो अपने एवन सेटर को फील कर पाएगी। अब अगले दिन साउची फैंक से मिलने रेस्टोरेंट पहुंचती है जहां फैंक था और वो साउची से कहता है कि वो उसके भाई को डेट ना करे, उसके भाई को वो फंसाए ना और यहाँ से चली जाए। इसके बदले उसे जो कुछ भी चाहिए वो उसे देने को तैयार है। तब साउची कहती है कि ठीक है वो मान जाएगी पर इसके बदले आज वो वही करेगा जो वो चाहती है। साउची अपने बैग से वही टैबलेट को निकालती है और फ्रैंक से छिपाकर पानी के ग्लास में डाल देती है। पर तभी वो नोटिस करती है कि दवा पानी में घुला नहीं था तो वो फैंक के ध्यान को भटकाती है ये कहते हुए कि उसने अभी रिपोर्टर्स को देखा था। जैसे ही फैंक पीछे मुड़ता है रिपोर्टर्स को देखने के लिए तो साउची अपने पावर से दवा को पानी में घोल देती है जिसके बाद वो फैंक को पानी पीने को कहती है। पर फैंक कहते हैं कि उसे वॉशरूम जाना है और वहां से चला जाता है। फैंक वॉशरूम में सोच रहा था कि उसे बुरा क्यों लग रहा है, अगर साउची यहाँ से चली जाएगी उससे दूर तो उसे तो खुश होना चाहिए क्योंकि वो यही तो चाहता है। इधर साउची फैंक का वेट करते हुए थक जाती है तो वो एक दवा को बैग से निकालती है और मेंस वॉशरूम के अंदर घुस जाती है। वहाँ पे जो लोग थे वो उसे देखकर वहाँ से जल्दी से निकल जाते हैं। फ्रैंक साउची को यहाँ देखकर बहुत ही हैरान था और वो उसे यहाँ से तुरंत जाने को कहता है। पर साउची कहती है कि उसे एक दवा उसे खिलाना है पर फ्रैंक उसके हाथ को पकड़ लेता है जिसके कारण साउची के हाथ से वो टैबलेट ऊपर उछल जाता है। पर इससे पहले कि वो टैबलेट नीचे गिरती साउची उसे अपने मुंह में डाल लेती है और फैंक को खिलाने के लिए वो फैंक को किस करती है और इसी बीच अपने मुंह के टैबलेट को फैंक के मुंह में डाल देती है जिससे फैंक उस टैबलेट को खा लेता है। साउची की हरकत से फैंक को बहुत ही गुस्सा आता है और वो साउची को पकड़ कर दीवार से चिपका देता है। तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड उन्हीं आदमियों के साथ आता है और कहता है कि उसे एक रिपोर्ट मिली है कि वो दोनों यहाँ पर इस वॉशरूम में बेहूदगी कर रहे थे जिसके बाद वो दोनों उस गार्ड के साथ एक कमरे में होते हैं। यहाँ वो गार्ड उन दोनों को खूब सुनाता है और साथ ही माफी मांगने को कहता है पर फ्रैंक कहता है कि इसमें साउची की गलती थी तो वो माफी नहीं मांगेगा। उन दोनों के झगड़े को देखकर गार्ड कहता है कि वो पहले सेटल कर ले, बाद में आकर वो उन्हें यहाँ से बाहर निकाल देगा। ये कहते हुए गार्ड दरवाजे में ताला लगाकर वहाँ से चला जाता है। अब उस दवा के कारण फैंक को गर्मी लगने लगती है तो वो अपने कपड़े को उतारने लगता है। साउची को लगता है कि फैंक का हार्ट तेज हो रहा है तो वो फैंक के पास जाती है और उसके हार्ट को छूने की कोशिश करती है तो फैंक खुद ही साउची से दूर होने लगता है। पर जैसे वो दरवाजा खोलने के लिए जाता है तो देखता है कि दरवाजा तो बाहर से बंद है। तभी फैंक की तबीयत अचानक ही खराब होने लगती है। ये देख साउची कहती है कि उस दवा का तो कोई साइड इफेक्ट नहीं था तो उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी फैंक को बुखार आ जाता है और वो साउची पर गिर जाता है। साउची डॉक्टर को कॉल करना चाहती थी पर उसने अपना फोन बाहर ही छोड़ दिया था तो फैंक के पैकेट को चेक करती है पर फैंक उसे करने से मना कर देता है। वो उसे कहता है कि बस वो उसके पास रहे। फैंक साउची के कंधे पर सर रखकर सोने लग जाता है। तभी साउची अपने पावर्स अपने एवन सेटर को फील करने की कोशिश करती है पर उसका पावर्स काम ही नहीं कर रहे थे क्योंकि फैंक उससे चिपका हुआ था। इधर हम जियांग को देखते हैं जो एक दूसरे रेस्टोरेंट में फैंक के आने का इंतजार कर रही थी क्योंकि यही वो रेस्टोरेंट था जब वो कॉलेज के टाइम पर यहाँ पर उससे मिला करती थी। पर बहुत इंतजार करने पर फैंक आ ही नहीं रहा था और न ही उसका कॉल लग रहा था तो वो उसके सेक्रेटरी को कॉल करती है जहाँ सेक्रेटरी बताता है कि वो साउची से मिलने गया है पर उसने उसे बताया कि वो जियांग से भी मिलेगा आज। अब रेस्टोरेंट के बंद होने का टाइम हो गया था पर जियांग वहाँ का स्टाफ से और कुछ टाइम मांगती है क्योंकि वो जिससे मिलने वाली है वो अभी तक नहीं आया है। तभी वहाँ फैंक का असिस्टेंट आता है जो कि फैंक की तरफ से उसे माफी मांगता है और कहता है कि फैंक का कुछ भी पता नहीं चल रहा है तो वो यहाँ से चली जाए, वेट करने का कोई फायदा नहीं है। पर जियांग नहीं मानती और वहीं बैठी रहती है। पर बहुत देर होने के बाद जियांग को गुस्सा जाता है तो वो कॉल करती है और मीडिया को बताती है कि वो फैंक से प्यार करती है। अब अगले दिन ये न्यूज पूरी वायरल हो जाती है कि जियांग को फैंक से प्यार हो गया है और सारे रिपोर्टर्स उससे इंटरव्यू लेना चाहते थे। इधर फैंक उठता है और देखता है कि साउची उससे गले लगी हुई थी। वो साउची को हटाता है और उससे पूछता है कि उसने उसे कल क्या दवा खिलाया और कहीं कल उसने उसका फायदा तो नहीं उठाया। तब साउची कहती है कि उनके बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ है क्योंकि वो तो कल रात बहुत ही कमजोर था और उसे जो चीज चाहिए थी वो तो उसे मिली भी नहीं। तभी वहाँ पर वही गार्ड आता है जो कि दरवाजे को खोलता है और कहता है कि वो दोनों अभी तक यहीं पर है। तभी वो दोनों झगड़ा करने लग जाते हैं और यहाँ जो कुछ भी हुआ इसका इल्ज़ाम वो एक दूसरे पर डालने लग जाते हैं। ये देख वो गार्ड कहता है कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का यही सारा झमेला होता है। इसने वो दोनों ही उस गार्ड को डांट देते हैं ये कहते हुए कि वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है
और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस आई होप कि आपने इस एपिसोड को एंजॉय किया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।